चलिए स्टार्ट कर दिया है। एक दो तीन एक अपना घर हो गया है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई अपना घर हो चुका है और आप लोग भी एंजॉय करो। थैंक यू। वैसे एक चीज और बता दें, YouTube मनी से नहीं है, YouTube मनी से नहीं है, मगर इधर आओ। मगर आप लोग का साथ हमें चाहिए था, आशीर्वाद चाहिए था। आप लोग के आशीर्वाद से है, आप लोग के आशीर्वाद से है। तो बोला की जाओ की कमाई से है, हमें भी बैठा है। बच्चों के मेहनत से है, बच्चों के आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से, आप बच्चों के मेहनत से है। और अच्छा हाँ, अब आप लोग के लिए थोड़े से क्लिप्स आएंगे जो इंडिविजुअल इन लोग का अपने अपना इमोशंस है घर के प्रति, वो आप लोग को बताते हैं, दिखाते हैं। और उसके बाद आएगा एक फैमिली का, कि फैमिली को जब हमने बताया तो वो कैसा रहा। और दूसरा ब्लॉग तब आएगा आप लोग के लिए कि कैसे कैसे हम लोग गए, कैसे कैसे हम लोगों ने बुक किया, कैसे कैसे क्या हुआ, किसके थ्रू चेक गया, किसके थ्रू पेमेंट हुआ, वो सब कुछ आएगा। ठीक है, चलिए फिर अभी देखिए। चलो उठाओगे जानते हैं आप लोग घर का क्या महत्व होता है। जब हमारे पास अपना मकान था, जब हमारे पास अपना घर था, तो हमें सब लोग पूछते थे, जब हमारा मकान बिक गया किसी कारणवश, हालात, समय, मजबूरी ऐसी आ गई हमारे सामने कि हमें अपना घर बेचना पड़ गया, तो उसके बाद से हमारी वैल्यू इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि मैं आपको क्या कहूँ, वर्णन नहीं कर सकता, दिल चीर करके नहीं दिखला सकता कि मैं कितना दुखी हो गया था। मन ही मन में यह सोचता था कि पता नहीं मेरे जीते जी अपना मकान होगा कि नहीं होगा, अपना फ्लैट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं धन्य हूँ अपने बच्चों के कि मुझे इन लोगों ने मेरे जाने के पहले मकान दे दिया। मकान बहुत बड़ी चीज होती है आज के समय में। एक तो टेंशन नहीं होता कि हर महीने किसी को जाकर के पैसा देना है, और दूसरा कि हर 11 महीने के बाद उनको रिक्वेस्ट करना है कि जी एक्सटेंड कर दो, और नहीं तो फिर खोजो मकान शिफ्ट करने के लिए, और शिफ्टिंग में कितनी प्रॉब्लम होती है मैं ये जानता हूँ। चूंकि मैं एयरफोर्स में था 1978 से, मैं एयरफोर्स में हूँ, और हर 3 साल के बाद हम लोगों को चेंज करना पड़ता था, मतलब ट्रांसफर हो जाती थी ऑलमोस्ट हर 3 साल के बाद। तो वहाँ पे जब बाइंड अप करते थे अपना सामान, जब रोल अप करते थे, कितनी परेशानी होती थी। दो दो तीन तीन दिन तक हम लोग लगे रहते थे अपना सामान सब ठीक करने में, उसके बाद दूसरे जगह जाओ, वहाँ पे जाकर के फिर मकान खोजो, वहाँ पे अपना सामान सजाओ, फिर जब क्वार्टर मिलेगा तो फिर अपने क्वार्टर में जाओ, इस तरह से लगे रहते थे हम लोग। तो मुझे पता है आप लोगों को भी पता होगा, आज मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ कि अपना मकान कितना वैल्यू रखता है, और आप लोगों को ये खुशी होगी जानकर के, आप लोग भी हमारे परिवार के हिस्सा सदस्य हैं, तो आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आज हम लोगों के पास अपना मकान हो गया है। हाँ, हैंड ओवर हम लोगों को अभी कुछ दिनों के बाद मिलेगा, कुछ महीनों के बाद मिलेगा, लेकिन अपना मकान हो गया है। ऐसे तो मैं ही वीडियो बनाती हूँ और रोज का ड्यूटी है मेरा, लेकिन आज का कुछ खास महत्व है और आप लोग से खास अनाउंस करना है। तो आज है कि मेरे दिन का बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है, कहिए तो। राम जी आ रहे हैं तो मेरे साथ मेरे लिए भी घर लेके आ रहे हैं। राम जी का घर हो रहा है ना, तो मेरा भी घर हो रहा है, तो ये चीज मैं बोलूंगी। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ इसलिए कि मुझे बहुत खुशी है कि राम जी के साथ साथ मेरा भी घर हो रहा है। बच्चों ने मेरे लिए घर कर दिया। राम जी को हम लोग मिलके किए, और हमारे बच्चे हमारे लिए किए। सबसे बड़ी चीज ये खुशी की बात है, घर नहीं होना, ये चीज कहते ना, ये चार दीवारी से, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे कि मैं क्या बोली थी, कि मैं 1 साल के अंदर में अपना घर ले लूंगी। हे माता रानी, बस जल्दी से एक अच्छा घर दिलवा दो। आंख में आंसू आ गया उस वक्त कि अपना घर अपना ही होता है। अच्छा नहीं लग रहा था, आज फील हुआ है अब मैं साल भर के अंदर घर अपना कर लूंगी। तो बच्चों ने ये पूरा कर दिया, मैं तो नहीं कर सकती थी, मेरा इतना हैसियत कहाँ कि मैं कर सकूँ। एक हैसियत भी नहीं, हैसियत है, इतने अच्छे बच्चे मुझे मिले हैं तो हैसियत तो है, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं खुद कर सकूँ। मैं कर दे चुकी थी बच्चों को, लेकिन किसी कारण बस से बिक गया। लेकिन हाँ, बिक गया तो उतना नहीं था, मैं नहीं हताश हुई थी, मुझे पता था, मुझे अपने बच्चों पे विश्वास था कि मैं बच्चों के थ्रू कर लूंगी। लेकिन हाँ, हमसे ज्यादा हमको जहाँ तक लगता है कि मेरे परिवार को खुशी होगी कि मेरा घर हो गया। और ये तो घर तो हो गया है, अलॉटमेंट भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अपने नए घर में जाएंगे अपने परिवार के साथ, तो आप लोग भी खुशी मनाओ और
देखो मेरे बच्चा भी बोल रहा है। हाँ तो यही है, आज बहुत बड़ी खुशी है हम लोग के साथ, बहुत ही क्या बोले, कुछ शब्द नहीं मिल रहा है बोलने के लिए, क्योंकि मैं इतना कभी कोई फंक्शन होता था, कुछ होता था ना, तो मैं यही सेंटेंस बोलती थी, शगुन बोलती थी आज माँ को जरूर फील होगा। जब भी दशहरा होता था, कुछ होता था ना, तो रेसिडेंस शब्द बहुत बड़ी है, लेकिन जिसके पास नहीं था ना, उसको पता था कि रेसिडेंस का मतलब घर का मतलब, घर छोटा है लेकिन उसके मतलब, उसका मतलब क्या होता है ना, वो हमें फील होता था वहाँ पे, कि जब जहाँ बोला जाता था ना कि सभी रेसिडेंस वाले, मतलब यानी कि हम लोग रेंट वाले थे, तो रेसिडेंस वाले का प्रोग्राम होता था, कुछ होता था ना, बहुत फील होता था हमें। और ये शगुन बोलती थी कि माँ को आज फील हुआ है, माँ को आज फील हुआ है, खैर होता था, क्या बच्चे कर दिए, बहुत बड़ी खुशी हुई। और मेरी बाबू लक्ष्मी है मेरी, तो इसीलिए अब ये लक्ष्मी जाएगी अपने घर में। ये जय हो कर दो, जय हो, जय श्री राम बोल दो, आज सुबह सुबह बोलिए जय श्री राम। बच्चे बहुत छोटे थे तब मैं ली थी, जमीन ली थी मैं, जो कि नजफगढ़ में जमीन था मेरा, और बहुत ज्यादा जमीन था, टू साइड ओपन था, लेकिन जब मैं वहां से निकली तो वहां पे गई मैं घर बनवाने के लिए ही गई थी, लेकिन वहां का माहौल नहीं पसंद आया, वहां का प्लॉट अभी बेचे नहीं थे, तो हम फिर लिए दूसरे जगह, दिल्ली में जगह लिए, दिल्ली में घर लिए, बना बनाया घर लिए। तो और उससे पहले, इन दोनों से पहले मैं यहाँ नोएडा में मैं घर जमीन ली हुई थी, जो कि कुछ कारण बस, हालांकि लॉटरी सिस्टम था, लॉटरी में मेरा नाम निकला था, बहुत अच्छा था, वो भी टू साइड ओपन था, तो लिए थे लेकिन नहीं ले पाए, वो भी नहीं ले पाए, तीन तीन जगह। और कितने 26 या 7 इयर्स की थी मैं उस वक्त, बहुत छोटी थी उस वक्त मैं ली थी, और किसी कारण बस कुछ कारण होते गए, बेचती गई, बच्चों को पढ़ाने में कुछ, मैं जब मैं अपना मकान ली थी तो उस वक्त भी कुछ जरूरत पड़ गया था, तब ली थी, बेचना पड़ा, और कुछ बच्चों को पढ़ाने में मकान को ये करना पड़ा, यही चीज हुआ धीरे धीरे करके, मतलब कि। और अब बहुत बड़ी खुशियां आई है, फिर खुशियां लौट के आ गई मेरी, किराए के मकान में जब थे हम लोग ना, तो बहुत तरह के हाउस ओनर मिले, कुछ तो ऐसे मिले ना कि हम लोग आज रात में आके बोले कि भाई कल तक खाली कर दीजिए, हालांकि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती थी, पेमेंट टाइम पे जाता था, सब कुछ टाइम पे जाता था, लेकिन उनको अपना सब ये रहता था, प्रॉब्लम रहता था कि नहीं खाली कीजिए। हम लोग मतलब उस वक्त खैर बच्चे उच्चे नहीं, छोटे ही छोटे थे, ये लोग अभी जॉब नहीं कर रहे थे, तो हम लोग एकदम खाली करते थे, 2-3 दिन के अंदर में घर खाली करते, उस वक्त बहुत फील होता था कि अपना घर रहता तो ऐसे नहीं होना होता। और बहुत अच्छे ऐसे भी मिले जो कि आज हमारा अपना घर हुआ ना, तो बहुत खुश हुए हैं, हमें ये घर खाली करना था, लेकिन वो बोले कि नहीं आप लोग इस घर से अपने घर में जाओ। वो जब मैं ये घर ली थी ना, मुझे याद है कि जब मैं ये घर किराए पे लेने के लिए आई, तो मैं यही बोली थी सब कि आप भगवान से मनाओ कि मैं इस घर से मैं अपने घर में जाऊं, तो वो लिटरली ने ऐसे हाथ जोड़ के बोले कि मैं भगवान से कर रहा हूँ कि आप अपने घर में जाओ, और सही में भगवान शायद उस वक्त कर लिए कि हाँ मेरा अपना मकान हो गया, उनकी भी आप लोग का प्यार सब कुछ, आप लोग की दुआ सब साथ मिला, तो 12 साल के बाद आज 12-13 साल हो गया, तो हम लोग को ये खुशी मिली है। और इस बीच मीन्स के बहुत कुछ ऐसा आया, बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ, बहुत अपने पराए हुए, पराए अपने हुए, क्या इसमें शब्द कुछ नहीं बोल सकते, आप लोग भी बोलते थे हरदम, आप बोल रही हैं खुशी खुशी है खुशी है, तो जब मैं बोल देती थी ना तो नहीं होता था, बहुत कोशिश, हम लोग 3-4 साल से कोशिश कर रहे थे घर लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रही थी, लेकिन इस बार बच्चे आप लोग भी समझाए कि नहीं अपना घर ले लो, अपना घर ले लो, और हम लोग भी बच्चों को बोले कि भाई आज नहीं तो कल तो लेना ही है, तो चलो एक बार कमर कसते हैं और ले लेते हैं घर, तो बस हम लोग घर ले लिए, और आप लोग की दुआ, आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार बस यही बना रहे हरदम, और ऊंचाइयों पे ले जाइए, मेरे बच्चों को ले जाइए, आप लोग भी खूब खुशियां बटोरिए, आप लोग के घर में भी इसी तरह ये जो खुशी आज हम लोग के चेहरे पे है ना, ऐसा ही खुशी सभी हमारे फैमिली मेंबर्स को मिले, और हम लोग भी आप लोग के साथ खुश रहे। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप ही में से कई लोग थे जो कि एडवाइस किए थे कि नहीं, जब ऐसी बात है कुछ, मतलब खुशियां जब पूरी हो जाए, जब अचीव कर लो आप उस चीज को, तब आप डिस्क्लोज करो, ऐसे बीच में मत डिस्क्लोज करो,
क्योंकि आप लोग कोशिश करते हो और वो रुक जाता है बीच में, तो हो सकता है कि किसी की नजर लग जाती हो, इसलिए तो वही इस बार हम लोगों ने फॉर्मूला अपनाया कि इस बार हम लोगों ने किसी को नहीं बतलाया, तब तक नहीं बतलाया जब तक कि हम उस चीज को अचीव न कर लें, यानी कि हम लोग हैंड ओवर नहीं, अभी तो हैंड ओवर नहीं हुआ है, लेकिन कागज हैंड ओवर नहीं हुआ है, उसको हैंड ओवर नहीं कहते हैं, समझे ना, जब हमको सारा कुछ हो गया, हमें अलॉटमेंट लेटर मिल गया, तब मैं आप लोगों से आप लोगों के सामने ये तथ्य लेकर के आया हूँ, ये सच्चाई लेकर के आया हूँ, खुशियां लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप लोग भी खुश हों और हम लोगों को आशीर्वाद दें, हम लोगों को अपना प्यार दें और इसी तरह से हम लोग को आगे बढ़ाते रहें। बस यही है आप हम लोग की खुशी, बच्चों की खुशी, आप लोग की खुशी। वैसे अभी एक और खुशी है, वो भी अभी नहीं बता रहे हैं, वो भी बताएंगे तब, अभी फिर से आप लोग कमेंट में लिखिएगा, फिर एक और खुशी है, बताते नहीं हो, अब तो खुशियां ही खुशियां है, आप लोग के घर में भी खुशियां होगी तो मेरे घर में भी खुशियां होगी, तो वही चीजें खुशियां ही खुशियां है, आप लोग को बहुत जल्दी वो भी खुशियां मिलेगी। कहाँ चले गए थे आप? इनको जाना था, इनके चक्कर में जल्दी करना पड़ गया, मटर का छिलका लेके क्रिकेट खेलने जा रहे हो, वहाँ बांटोगे क्या प्राइज मनी में? है। है इसके कारण से। ये देखिए तो, ये देखिए। गोदी में लीजिए, गोदी में। ये क्या? उठाओ ना थोड़ा सा। सब उठाओ ना तुम भी। यही सब बोलते हैं कि बच्चों के मेहनत से हो गया आज घर का। निधि 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 बात सुनो, निधि इधर 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 खड़े होइए। माय हाउस का हुआ निधि, आवर हाउस, हमने अपना घर खरीद लिया है, है? है? हमने अपना घर खरीद लिया है, हम तो मीठा चाहिए यार सबको, है हाँ हा 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 हा, भाई हमने अपना घर ले लिया है ना, अच्छा बस हाँ। अरे जा कहाँ रहे हैं, रुकिए थोड़ा, हम लोगों का नेक्स्ट ब्लॉग भी देखते जाइए, फैमिली को कैसे बतलाया, क्या रिएक्शन था उन लोगों का, वो भी देखते जाइए, जो कि शाम में 6 बजे आएगा, प्लीज वेट एंड वॉच।